हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इतने दिनों से मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया था, आज मैंने सोचा कि आज तो मैं ज़रूर कोई ना कोई वीडियो अपलोड करूंगी। तो इतना कुछ खास तो था नहीं जिसकी मैं वीडियो बना सकूं, लेकिन चले मैं आपको दिखाती हूं कि मैं दिन में क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है तो मैंने एलेक्स और सौरभ को खुराक देनी है, तो मैं उन्हें फूड दूँगी क्योंकि मेरी अभी आँख ही 12 बजे खुली है, मैं बहुत लेट आ जुटी हूँ। तो अभी सबसे पहले उन्हें खुराक दूँगी, फिर नाश्ता करूँगी। जी अभी जो है 2-3 बर्तन गंदे, सबसे पहले मैं इसको धो लेती हूँ, फिर मैं उन्हें खुराक दूंगी। तो ये इन दोनों का जो है खुराक मैंने रेडी कर लिया, अब मैं इन दोनों को दूंगी, फिर आगे देखेंगे। आप जो है 12:30 से गुजर चुके हैं, यानी 1 बजने वाले। मैंने सोचा आप क्या नाश्ता करने से बेहतर है कि अब मैं जो है लंच ही तैयार कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने ये वाले दाल लिए हैं और आप इन्हें जो है तो मैं साफ़ करूँगी, फिर मैं पहले कुकिंग करूँगी, फिर आपको मज़ीद आगे आगे दिखाऊँगी। तो दाल को तो मैंने गैस पर रख दी है, वो थोड़ी टाइम के लिए बॉईल होंगे, पर उसके बाद हम उसका तड़का लगाएंगे। और तब तक जो है तो हम ये प्याज वगैरह काट लेते हैं, सिर्फ प्याज और गार्लिक, ठीक है, हमें अभी ये काटूंगी। मुझे अभी याद आया, मैंने मुझे कहा था कि जो टमाटर है तो वो उसी में डालना है, दाल में डालना है कि वो उसी के साथ बॉयल हो जाए, तो अभी ये मैं उसमें डालूँगी। तो ये इसमें मैंने टमाटर जो है वो डाल दिए हैं, अब इसे छोड़ देंगे ताकि ये इसी के साथ बॉईल हो जाए, और तब तक जो है तो हम प्याज और गार्लिक जो है तो उन्हें काट लेते हैं। इसमें जो दाल थी वो भी बॉईल हो चुके हैं, वो मैंने उतार लिए हैं, और ये प्याज भी मैंने कट चुके हैं, और ये साथ में गार्लिक भी, ठीक है। तो अब मैंने जो है एक दूसरा बर्तन लिया है, अब इसमें जो है तो मैं इस प्याज को डालूंगी। मैं इसे अब पहले थोड़े से फ्राई करूंगी, फिर मैं उसके बाद दाल डालूंगी। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम दाल बना रही हूँ ना, मैंने कभी दाल नहीं बनाई, बाकी कुकिंग मैंने की है लेकिन मैंने कभी दाल नहीं बनाई। तो इसीलिए प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं, अब मैं इसमें नमक और सालन मसाला डालूंगी। तो इसमें मैंने वो दाल भी मिक्स कर दिया है, साथ में मसाला और जो है नमक भी डाल दिया है। अब इसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे, फिर देखूंगी कैसे क्या बनेगा। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ इसलिए मुझे आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे नहीं पता कि ये कैसा बनेगा। सो दाल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, तब तक मैंने जो है तो ये तवा भी रख दिया है, और अब जो है तो मैं रोटियां बनाऊंगी। तो मैंने जो है रोटियों के ये बना लिए, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं लेकिन ये इस तरह जो होते हैं ये मैंने 2 बना लिए, ठीक है। और अभी जो है तो मैं इन्हें बनाऊंगी, गोल गोल रोटियां बनाऊंगी। तो ये जो है दाल तो बन के तैयार हो गए हैं, और रोटी भी जो है तो एक जो है मैंने थप्पे पे डाल दी है, ये अभी थोड़ी थोड़ी सी बन चुकी है और दूसरी अभी बाकी है। कुकिंग तो मैंने कर ली है, अब जो है मैं भाई के कुछ कपड़े प्रेस करूँगी, तो फिर इसके बाद फिर खाना खाएंगे। ओके सो अब जो है तो भाई के कपड़े भी प्रेस हो गए हैं, तो अभी 2 बज गए हैं, मैं जाके नमाज पढ़ूँगी और फिर जो है तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो फिर हमने खाना भी खा लिया था और बाकी जो है तो दिन गुजर गया, क्योंकि मैं फिर बाकी काम में मसरूफ़ हो गई थी, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन अभी जो है तो शाम का वक्त है और चाय बनानी तो मस्ट है, तो इसीलिए अभी मैं चाय बना रही थी, सोचा अभी ही कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो ये मेरी चाय तैयार हो गई है, अब इन्हें मैंने जो है कप्स में डालना है और फिर हम लोग चाय पियेंगे। तो फ्रिज में हमारा ये केक भी पड़ा था जो कि हम कल लेके आए थे, और इसे बस एक ही पीस खाया गया है और बाकी पड़ा था, तो अभी हम ये भी चाय के साथ पियेंगे। नहीं, चाय के साथ खाएंगे। ओके तो फिर ठंड बहुत हो गई थी इसलिए मैंने एलेक्स को हुडी पहनाई, और वो इतना एक्साइटेड हो रहा था ना, बार बार जंप्स लगा रहा था। और फिर जोरो को भी पहनाया था लेकिन वो वीडियो में आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसे भी धकेला कि तुम्हें भी तो मैंने वीडियो में लाना ही है। ओके तो बस आज का व्लॉग यही तक था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।